महाराष्ट्र का महासंग्राम और झारखंड की जंग, इन दोनों ही चुनावी मैदानों के लिए आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है और रुझान लगातार आ रहे हैं। 11:30 बजे तक के रुझानों की एक बारी तस्वीर देख लेते हैं कि उसके मुताबिक कौन सी पार्टी किस राज्य में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में दो बड़े गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। पहला है महायुति, जिसमें बीजेपी शामिल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार लेड एनसीपी शामिल है। वहीं जो ओपोनेंट है यानी कि महाविकास अघाड़ी या फिर MVA, उसमें कांग्रेस शामिल है, शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना शामिल है। अब अगर हम रुझानों की बात करें तो 11:30 बजे तक के रुझान हैं, उनके मुताबिक क्लियरली जो महाविक्ट्री है वो महायुति के पाले में आती हुई नजर आ रही है। टोटल जो सीट्स है वो 288 हैं और इसमें से 221 के करीब जो महायुति है उसके पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि बहुमत, अगर यही जो रुझान है अगर ये नतीजों में भी बदल जाते हैं तो बहुमत साफ तौर पर महायुति को मिलेगी। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 का है और जो रुझानों के मुताबिक यहाँ पे सीटों पर आगे चल रहा है महायुति वो है 221। तो क्लियरली महायुति की वापसी होती हुई नजर आ रही है रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक। अब हम ओपोनेंट को कितनी सीट मिली है यानी कि महायुति महाविकास अघाड़ी को, तो 55 सीटें हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी आगे चल रहा है। जो बाकी की 12 सीटें हैं वो अदर्स के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। जो एग्जिट पोल थे वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि महायुति की वापसी होगी, वो दोबारा से सरकार बनाएंगे। हालांकि जो आंकड़ा है नंबर ऑफ सीट्स का उससे काफी आगे निकल चुके हैं जो रुझान है फिलहाल। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो सिर्फ महायुति ही नहीं बल्कि जो स्टार कैंडिडेट्स रहे हैं इनकी जो पार्टीज हैं वो भी आगे ही चल रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, वो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार हो। तो जो कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स के अलावा जो पार्टी है ये क्लियरली आगे जाती हुई नज़र आ रही हैं और सरकार बनाती हुई नज़र आ रही हैं 11:30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट की यानी कि झारखंड की। तो झारखंड में जो बड़ा मुकाबला है वो बीजेपी लेड NDA और JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया ब्लॉक के बीच में है। यहाँ पर महाराष्ट्र से थोड़े उलट नतीजे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं उन पर इंडिया ब्लॉक आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। जो टोटल सीट्स हैं वो 81 है और मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को 41 सीटें अपने पास हासिल करनी होगी, उन पर जीत हासिल करनी होगी। फिलहाल के रुझानों के मुताबिक जो 49 सीट्स है वो इंडिया ब्लॉक के पाले में आती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर यही रुझान रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। NDA के पाले में वही झारखंड में करीब 30 सीटें आई हैं और अदर्स के पाले में 2 सीटें आई हैं। यानी कि एक जो स्टेट है वो बीजेपी लेड महायुति के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही झारखंड जो है जो दूसरा स्टेट है जिसके नतीजे आज आ रहे हैं तो वहाँ पर इंडिया ब्लॉक जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के रुझानों के मुताबिक ये अभी रुझान है, जब फाइनल काउंटिंग हो जाएगी और बाकी के रुझान आते हुए आएंगे तो तस्वीर ज़्यादा क्लियर होगी कि किस स्टेट में फाइनली किसकी पार्टी सरकार बनाने का दावा करेगी। फिलहाल के ये अपडेट था, लेकिन आगे आगे जो भी अपडेट रहेगा, जो भी न्यूज़ रहेगी, जो भी इलेक्शंस के अपडेट रहेंगे उनके लिए आपको कहीं और नहीं जाना होगा। आप NDTV प्रॉफिट हिंदी से जुड़े रहें, हमारी वेबसाइट्स, हमारी सोशल हैंडल्स पर लगातार आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी।